संस्थाओं में उस पर हमको बोलने का मौका दिया तो हम बोल रहे थे। हमने ये कहा कि हम आरक्षण दे देते हैं, नामांकन का नियम बना देते हैं, लेकिन क्या हम किया है? बाबा भीमराव अंबेडकर में जब आरक्षण की बात दी थी तो हर 10 वर्ष पर समीक्षा की बात उन्होंने की थी, आज तक समीक्षा कोई नहीं किया है। यही बात हमने उठाया और हमने कहा कि गजेटेड ऑफिसर जो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स हैं, उनका रोस्टर 1971 से लागू है और उस समय से आज तक कम से कम 16% आरक्षण मिलना चाहिए था प्रमोशन में, लेकिन आज मात्र 3% आरक्षण है। 16% करने में बहुत समय लगेगा, ये हम कहना चाह रहे थे। इसी बीच में माननीय मुख्यमंत्री तमक करके उठ गए और उठ करके अनाप शनाप ऐसी बातें बोलने लगे, हमको तो आश्चर्य हुआ कि वही नीतीश कुमार हैं जो पहले थे आज से कुछ दिन पहले, आज लगता है कि वो दूसरे रूप में यहाँ परोसे गए, दूसरे रूप में आए। हमको लगता है कहीं न कहीं उनकी दिमाग में कोई कमजोरियां है, इसके चलते वो ऐसा बोल रहे हैं। और हम उनके बारे में कहना चाहते हैं, वो बार बार तुम ताम की बात करते हैं। आप जोड़ लीजिए 1985 में वो विधायक बने, हम 1980 से विधायक हैं, उम्र में वो 74 साल के हैं, उम्र में हम 80 साल के हैं, तो वैसी परिस्थिति में तुम ताम करना कहाँ का उचित है, उसमें भी विधानसभा में। इसलिए हमको लगता है कि मानसिक संतुलन वो खो बैठे हैं, इसलिए वो ऐसा करते हैं, पहली बात। दूसरी बात, एक बार बार कहते हैं हमने तुमको मुख्यमंत्री बनाया। देहात में कहा जाता है कि भले भैया सिर मुड़ाती है, उसको दोह में चुचुअट होती है, कीड़ा काटता है तो वो सिर मुड़ाता है। उसी प्रकार से नीतीश कुमार 2014 में हार गए, सब लोग कहने लगा नीतीश कुमार इस्तीफा दो इस्तीफा दो। अपनी लाज बचाने के लिए एक सीधा साधा आदमी को मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। जीतन मांझी को उन्होंने अंडर एस्टिमेट किया था, समझ लिया था कि ये तो भुइयां मुसहर का परिवार है, हम जो कहेंगे वो करेगा। आप लोग भी इसका गवाह हैं कि 2 महीना तक मुख्यमंत्री के रूप में उनकी बातें हमने कही। आप लोगों ने कहा कि जीतन मांझी रबर स्टैंप हैं, जीतन मांझी रिमोट से चल रहे हैं, सही बात है, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपकी इन बातों ने हमको प्रेरणा दी और प्रेरणा के बाद हम जब काम करने लगे तो यही इनके चमचा लोग कहा, ए नीतीश बाबू, जीतन मांझी को आप बनाए थे कि जो कहिएगा सो करेगा, तो ऐसा न करके राजहित में ऐसा ऐसा निर्णय ले रहा है, अगर 4-5 महीना रह गया आगे तो फिर आपको कुत्ता भी नहीं पूछेगा, निश्चित रूप में जीतन मांझी आगे का मुख्यमंत्री होगा। तब इसको हटाने के लिए इन्होंने क्या क्या नहीं किया। हमने इनको कहा कि आप फालतू इतना काम कर रहे हैं, इतना काम करने की जरूरत नहीं है। 2005 में आपने हमको मंत्री बनाया था और लोगों ने कहा कि एक दागी मंत्री आ गया है, तो 4 घंटा के अंदर हमने इस्तीफा दे दिया था। अगर आप चाहते कि मुख्यमंत्री पुनः हम बनना चाहते तो हम इस्तीफा दे देते, इसमें कहीं कोई दबाव नहीं, लेकिन ये बहुत लोगों के कहने पर क्या क्या उस समय कारगुजारी की आप लोग सब लोग जानते हैं। तो कहने का मेरा मतलब है कि नीतीश कुमार हमको बहुत हम योग्य थे इस समझ करके नहीं बनाया। उन्होंने बनाया कि जीतन मांझी भुइया जात और मुसहर जात सीधा होता है, हम जो कहेंगे वो करेगा, लेकिन हम 9 महीना में जो किया आपके सामने है। और आज जब हम विधानसभा में आरक्षण पर बोलने की बात किया, हम अगर न बोलते तो कौन बोलता। आज हम 43 वर्ष से यहाँ का सदस्य हैं, मुख्यमंत्री के पद पर रह करके और मंत्री पद पर रह करके, राजमंत्री के पद पर रह करके, उप मंत्री के रह करके हमने जो अनुभव किया, अनुभव शेयर करना चाहते थे और शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स को उचित हक मिले। इसी के लिए हमने कहा कि आज 16% आरक्षण है, लेकिन आप जाके हैं कि कितना आरक्षण लाभ है और कितना लोग लाभान्वित हुआ है। आज हुआ है 7% आरक्षण है, इसको कौन देखेगा। आज 15 साल से ही हैं, इनके बड़े भाई छोटे भाई भी 15 साल से, 30 साल से, आज 75-73-74 वर्ष हो गया, आज हम लोग मात्र
7-8% है, हमारा होना चाहिए 16%। अब जब ये आगे बढ़ा रहे हैं 20% कर रहे हैं, तो 20% करने से क्या फायदा है जब ये नहीं देखेंगे कि हमको 20% लाभ मिलता है या नहीं, यही कहना चाहते थे लेकिन इस बात को सुनना नहीं चाहते थे। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था आरक्षण प्रमोशन में कि साहब आप स्टेटस को रखिए, लेकिन स्टेटस को दूसरे राज्यों ने रखा लेकिन ये स्टेटस को नहीं रखा और सामान्य वर्ग के लोगों को प्रमोशन दिया और शेड्यूल कास्ट के प्रमोशन को कैप्टन अवेयंस रखा कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश आएगा तब करेंगे, यही हम कहना चाहते थे। ऐसा दुवातिया बात मत बोलिए, इनसे टेलीफोन पर बात करके भी हमने कहा था, तो हमसे कहा था इन्होंने कि नहीं दोनों को प्रमोशन हम साइमल्टेनियसली देंगे, लेकिन जब देने की बात आई तो सामान्य वर्ग का प्रमोशन मिला, अच्छी बात है, उनका हम विरोध नहीं करते हैं, लेकिन साथ साथ शेड्यूल कास्ट का भी आरक्षण होना चाहिए था जो नहीं हुआ, यही कहना चाहते थे। अब आगे आप लोगों के माध्यम से यही अनुरोध करना चाहते हैं, इन सारी बातों को पब्लिक डोमेन में रखें, हम भी भारत सरकार के गृह मंत्रालय में या पर्सनल विभाग में या राज्य सरकार के अन्य राज्यपाल महोदय से मिलेंगे और कहेंगे कि ऐसे मुख्यमंत्री जिनका दिमाग लगता है कि अब कहीं दूसरे जगह चला गया है, इनको बर्खास्त कीजिए, यहाँ राष्ट्रपति शासन लगाइए और ताकि यहाँ बिहार की जनता को लाभ मिले और न्याय मिले, यही आगे हम लोग करेंगे। हाँ एक बात और, ये बार बार कहते हैं 2017 में यही नीतीश कुमार कहे थे, मांझी जी आप लोगों के बारे में सोचा गया है, उस समय एनडीए में थे तो हमने कहा था कि हाँ हमारे बारे में सोचा गया है, मालूम है हमको गवर्नर बनाया जा रहा है, हम गवर्नर के पद पर नहीं जाएंगे, कोल्ड स्टोरेज में नहीं जाएंगे, हम पब्लिक में रह करके लोगों से काम करेंगे, और हम जब नहीं बने तो आज सत्यदेव नारायण आर्य वहाँ के राज्यपाल दो जगह बनाए गए, और आज की बात जहाँ तक है, बात कहीं उठती है, हम कहते हैं कि हम विधायक रहें न रहें, मेंबर पार्लियामेंट रहें न रहें, जब तक हमारे नस में एक बूंद भी खून है पब्लिक से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करके पब्लिक का सेवा करना चाहेंगे, हम राज्यपाल